ऐसे तो शादियों में दूल्हा बेशकीमती गाड़ियों से दुल्हन को ब्याह कर ले जाने के लिए आता है, मगर समस्तीपुर के कुछ इलाकों में नाव ही सहारा है। शादी करने के लिए दूल्हा नाव से ही पहुंचा और नाव पर ही दुल्हन की विदाई हुई। कल्याणपुर प्रखंड के गोवरसीठा गांव में एक लड़की की शादी हुई। यहां नाव से बारात आई और शादी के बाद नाव से ही दुल्हन ससुराल के लिए विदा हुई। दरअसल बागमती का कहर इतना बढ़ गया कि दुल्हन के घर के आसपास बाढ़ के पानी ने घेरा डाल दिया। ऐसे में शादी समारोह के लिए रास्ता भी नहीं था। नाव के सहारे ही दूल्हे को दुल्हन के घर जाना पड़ा। गांव के लोगों ने दूल्हा और बारात में आए लोगों के लिए 3 नाव की व्यवस्था की थी। दरवाजा लगने के बाद बाढ़ के पानी के बीच ही शादी की रस्म अदायगी पूरी की गई। खबरों के मुताबिक गांव के उस टोले में आजादी के बाद आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में बाढ़ उनके घर विपदा बनकर आई। आखिरकार दूल्हे ने नाव के सहारे ही सही दुल्हन को ब्याह कर ले आया। न्यूज़ डेस्क।